और आप ये भी ना, अब कई साथी कह रहे हैं वैसा फिर समय ही चला जाएगा, तो साथियों समय तो अपनी गति से जाना ही जाना है, मूवमेंट करेंगे तो भी जाएगा, नहीं करेंगे तो भी जाएगा। अगर सरकार की मन इच्छा साफ होगी तो एक ही दिन का काम है, और अगर सरकार की इच्छा साफ नहीं होगी तो हम 3 महीने ही मूवमेंट में बैठे रहे, कुछ नहीं होना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आंदोलन किया हुआ है, संघर्ष किया हुआ व्यर्थ जाता है। संघर्ष तो देखो अपना कहीं ना कहीं छाप छोड़ता है। मेरा मतलब ये नहीं है कि हम संघर्ष करेंगे तो व्यर्थ चला जाएगा, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा जरूर, और संघर्ष करेंगे भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसलिए जो साथी उतावले हैं आंदोलन को लेकर नियमितीकरण की बात, उन साथियों से मैं विनम्र निवेदन कर दूं कि 30 तारीख के बाद संगठन परमानेंट जयपुर रहेगा माननीय शमशेर बानो खान जी के नेतृत्व में, और सरकार के आला अधिकारियों और मंत्रियों से वस्तु स्थिति का जायजा लिया जाएगा। हमारी नियमितीकरण की प्रक्रिया में कहाँ बाधा आ रही, पुराने अनुभव को जोड़ने में नियमितीकरण की प्रक्रिया में कहाँ बाधा आ रही, उसके बाद बैठ के इस पर पूरी गहनता से मंथन होगा कि यहाँ दिक्कत है और इसका समाधान हमें किस तरह का, उसके बाद तुरंत आंदोलन की घोषणा हो। थोड़ा देरी रखें, अभी समय है अपने पास, 3-4 तारीख तक ये काम हो जाना है, इससे पहले भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आंदोलन कभी भी अब आरंभ हो सकता है। तो सारे ही साथी अपने अपने जिलों में, सभी जिलाध्यक्ष साथियों से विनम्र निवेदन है कि ब्लॉक अध्यक्ष साथियों से विनम्र निवेदन है कि वह अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर रखें, क्योंकि अगर हमें लगा कि आंदोलन करना है तो फिर तुरंत उसकी घोषणा होगी और हमें पूरी ताकत के साथ मैदान। इसलिए जो नियमितीकरण की प्रक्रिया के लिए साथी बोल रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो घबराए नहीं, संगठन की हर मुद्दे पे, हर बात पे पूरी बारीकी से नजर है, और नियमितीकरण की लड़ाई लड़ेंगे, 1000% लड़ेंगे, और मजबूती से लड़ेंगे, और लड़ेंगे नहीं जीतेंगे। हमारा उद्देश्य नियमितीकरण है, संविधान रूल्स में तो चलो ठीक है, सरकार ने डाल दिया, नियमितीकरण की दिशा में एक अच्छा कदम था, कोई दिक्कत नहीं। कई साथी तो ये कहते हैं कि परमिट जी तो खुश हो गए हैं संविधान रूल्स में डलने के बाद, अरे भाई मैं क्यों खुश होऊंगा, मेरे को ऐसा क्या मिलेगा संविधान रूल्स में, मैं तो उल्टा परेशान और हूँ, घर के खर्चे इतने बढ़ गए हैं, इतने कम पैसे में कैसे काम चले। तो आप ये ना सोचें, मैं इस मामले के लिए, मैं नहीं, माननीय शमशेर भालू खान जी, खम्बा राम जी, हनुमान जी, सारे ही साथी गंभीर हैं, आजम खान जी, अनवर भाई, सभी साथी गंभीर हैं, सभी साथी जाते नियमित हो, मदरसा वाले भी अपने जैसी कंडीशन में है, तो कोई साथी घबराए नहीं। और बस अभी 30 तारीख के बाद संगठन परमानेंट ही डेरा डाल देगा, और उसके बाद सरकार की जो भी प्लानिंग है वह लेने के बाद तुरंत ही आगे के प्लान सभी साथियों को बता दिया जाएगा, तब तक सारे साथी धैर्य बना कर रखें। इसके बीच में 2-3 बातें और हैं, जैसे कई साथी बीपीएड सीपीएड वाले हैं तो उनको मैं बता दूंगा, आपका प्रस्ताव तो बीकानेर से जयपुर आ ही गया है और उसकी फाइल भी चल गई है, तो वह साथी परेशान ना हो। और एक मैं महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि मेरे ऐसे सुनने में आया है कि चाहे अनट्रेंड हो, अब अनट्रेंड हो में देखो 7,500-8,000 आदमी है, पात्र अपात्र की बात चली, धरना लगाए, सरकार ने भी हमें ऑप्शन दिया था कि प्रथम नियुक्ति जो तिथि है उससे आपा कर देते, लेकिन हमने ये कहा कि 59 साल 11 महीने 29 दिन वाले का बचे, हुआ भी बच्चों का भी हुआ है। अब मुझे आश्चर्य इस बात का है कि पहले वो 59 साल 11 महीने 29 दिन वाले जो अपात्र साथी थे 50 से ऊपर, वो सिर्फ एक ही बात करते थे कि भाई कैसे भी करके संविधान रूल्स में डलो, चलो 34 दिन धरना चला, संविधान रूल्स में डल गए। अब वो साथी पंचायत शिक्षक के नाम से नया संगठन बनाएंगे बोलो, और हम तो नियमितीकरण की लड़ाई लड़ेंगे। अरे भाई तुम्हारे मामले में तो वैसे ही 1000 बातें हैं सरकार के साथ, किसी ने कोर्ट में जाके कह दिया कि प्रथम नियुक्ति में अपात्र थे तो पंचायत सहायक भर्ती गलत है, फिर लफड़ा खड़ा हो जाए। इसलिए दिमाग की बत्ती खोलो और थोड़ा धैर्य बना के रखो।
मैंने एक वो शेखावाटी कहावत वाली बात कही है ना कि गादरे के तावड़ से बेर नहीं पकते हैं, बेर अपने हिसाब से पके। इसलिए ये हड़बड़ी है ना जो नेतागिरी वाली, ये हड़बड़ी कम करो, थोड़ा शांति बना के। अभी खतरे टले नहीं है, खतरे बरकरार हैं। अब कई कहते हैं कि वो पैरा टीचरों में तो 55 साल के हैं, तो पैरा टीचर तो जिस समय लगे थे उस समय एज में थे सारे, पंचायत सहायक एज में नहीं थे। इसलिए कहीं उल्टा पड़ गया ना झमेला तो लेने के देने पड़ जाए, फिर रोते रहना जिंदगी भर। ये अलग अलग जो नए नए ज्ञापन छपा के तुम रोज नेतागिरी के बाड़ों के डाई करके जो नेतागिरी का भूत चढ़ रहा है ना दिमाग में, ये ऐसे निकलेगा कहीं ना कहीं कि घर बैठ जाओगे साथ। इसलिए संगठन के सभी विनम्र साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि संगठन की विचारधारा में रहें, संगठन को अपना काम करने दें, संगठन आपका अहित नहीं करेगा, हित ही करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि विद्यार्थी मित्र योजना में जैसे नेतागिरी चमकाने के चक्कर में वो गए थे ना कोर्ट में, या अलग अलग नेता बनने, वो फिर घर के बचे ना घाट के बचे और घर बैठ गए थे। तो कहीं ये हमारी ज्यादा होशियारी जो ये 50 साल से ऊपर वाले अब पंचायत शिक्षक संगठन बनाएंगे, अनट्रेंड कह रहे हैं हम अलग बनाएंगे, ये अलग अलगों के चक्कर में ऐसा ना हो कोई कोई कहीं का ही नहीं बचे और सब घर बैठने के कगार पर जाए। इसलिए मेरा सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये अलग अलग जो रामलीला गाने की कई कोशिश कर रहे हैं ना, ये अलग अलग रामलीला के चक्कर में नहीं पड़े, संगठन को एक रहने दें, सारे संविदा कर्मियों को एक रहने दें। संगठन में तो फूट होनी नहीं चाहिए, सारे संविदा कर्मी एक होके लड़ेंगे तब जीतेंगे जाके, किसी चक्कर में मत रह जाना। और जो जिस समय लगे थे पंचायत सहायक, उस समय जो ओवरेज थे वो तो बहुत सावधान रहे, उनके ऊपर तो तलवार अभी मंडरा ही रही है, खतरा टला नहीं है अभी, कसी किसी चक्कर में हो खतरा टल गया। इसलिए ध्यान रखें सारे सोते का। अनट्रेंड साथियों से मेरा एक निवेदन है कि जो कुछ साथी कोर्ट में गए, क्यों गए हैं, ये कैसे गए हैं, किसको पूछे गए हैं, मुझे तो हालांकि पता नहीं है। और मैं अपने मन की बात बताऊं कि देखो अनट्रेंड साथियों का जो कार्य है वो भी अंतिम पड़ाव में है और इनका प्रशिक्षण अब कभी भी शुरू हो सकता है, संगठन ने इनको प्रशिक्षित कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम भी चाहते हैं कि हमारे भाई हैं और प्रशिक्षित हों जल्दी, और मैं तो ये कहूंगा कि काम भी बहुत तेजी से चले, शायद यथासंभव प्रशिक्षण भी जल्द आरंभ हो जाए इसको।